समरीन अली से बात हो रही है हमारी। हाँ। आपको आना पड़ेगा पुलिस स्टेशन, ऐसे बात नहीं बनेगी। सॉरी। तो मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है तो हाँ भाई, क्या हाल है सबके? मैं नहीं बताऊंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में तो तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज तुम लोगों को मेरी जिंदगी की सारी सच्चाई जो पता चलेगी। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड कौन है। नॉट तुम लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा, तो वीडियो पूरी एंड तक देखना। तो सबसे पहले मैं चूज करने वाला हूँ ट्रुथ, और हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया और सबसे ज्यादा कौन सी क्वेश्चन की डिमांड है। भाई मेरी एक ही बहन है, रियल सिस्टर मेरी एक ही है, जिसके साथ मैं अभी इस बीच में चैलेंजेस बना रहा हूँ। मैं नहीं मानता। वो थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई में बिजी रहती है, इन सब चीजों में रहती है, तो वीडियोस नहीं बनाती थी मेरे साथ। तो मैंने उसको थोड़ा मोटिवेट करा कि मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ। तो मेरी सिर्फ एक ही बहन है, वो है ये, उसका नाम है अपूर्वा सिंह। तो अभी चलो हम फिर से अगेन ट्रुथ चूज करते हैं। तो गाइस सेकंड ट्रुथ हमसे ये पूछा गया कि अगर आपको कोई जिन मिले और वो आपको 3 विशेस दे, तो आपकी वो 3 विश क्या होंगी। तो गाइस देखो, सबसे पहली विश जो होगी मेरी कि मैं एक अपना बहुत बड़ा सा घर बनाऊं, और मतलब बहुत सारे पैसे वैसे हो मेरे पास साले। और सेकंड विश मेरी ये होगी कि मैं लाइफ टाइम तक अपने मम्मी पापा के साथ रह सकूं, वो मेरे साथ रहे हरदम। तो तेरे को हराम ही समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। और मेरी थर्ड विश ये होगी कि मेरे यूट्यूब पे, यार देखो सपना तो 10 मिलियन का भी है, 10 मिलियन भी करने हमें औकात मेरे, पर अभी तो ये है कि 1 मिलियन ही हो जाए तो बहुत है। तो गाइस इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा कमेंट कर देना, ठीक है सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को। क्या बोला तूने? कि जल्दी से 1 मिलियन हो जाए, और क्या पता वो जिन तुम ही हो जो मेरी विश पूरी कर। तो गाइस अगला ट्रुथ हमसे ये पूछा गया है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? शर्म नहीं आई पूछते हुए, हैं? शर्म नहीं आई? थोड़ा मूड खराब कर दिया। तो गाइस अब हम चूज करने वाले हैं अपना पहला डेयर। पहला डेयर हमें ये मिला है कि हमें किसी भी एक इन्फ्लुएंसर को करना है रोस्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हाँ गाइस, आज हम उसे रोस्ट करने वाले हैं जिसकी एज उतनी रियल है जितनी की पायल जोन के थंबनेल। जब मैं 1.5 इयर्स की थी, तो मैंने रणबीर कपूर से मिली थी और मैंने रॉकस्टार की थी। इसने अपनी पहली मूवी उस एज में कर ली थी जिस एज में हम डायपर में सिर्फ पॉटी करना जानते थे। अरे हाँ भाई, मुझे पता है आप लोगों को भी मेरी तरह यकीन नहीं हो रहा कि ये सिर्फ 12 साल की है। What is your real age? Age is just a number, guys. अबे पर फिर ये 12 साल में इतनी बड़ी कैसे हो गई? मुझे तो लग रहा है हसबुल्ला और अब्दुल का कॉम्प्लेन इसने ही पिया है बचपन में। You were chalak, bro. समझ जाओ बस, बाकी समझदार हो तुम। और गाइस तुम लोग नहीं मानोगे, इसकी बहुत ही बड़ी बातचीत है, बड़े बड़े लोगों से बातचीत है। मैंने इसकी रील देखी, इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ रील बना रही है, देखो तुम लोग देखो। ऋषि तुम क्या कर चुकी हो, तुम्हें भी पता है। ओ माय गॉड, आपने क्या देखा है मुझे करते हुए? बाप रे, हग दिया। मुझे चाहिए एक ऐसा बाबू सोना जो साफ करे घर का कोना कोना। मतलब मैंने स्टार्स बोला था भाई, ये किनकी वीडियो लगा दी। तो ये ज्यादातर लकी डांसर के साथ रहती है, तो समझ सकते हो उसके नाम में लकी डांसर है, उसको डांस नहीं आता। और ये 12 साल की है, पर ये 12 साल की लगती नहीं है। भैया जी आप तो गाइस देखो, जैसा भी है तो ये 12 साल की है, जैसा बताती है अगर सच में 12 साल की है तो बहुत अच्छा है, काफी कम एज में काफी अच्छी बड़ी ऊंचाइयों में पहुंच गई है, पर इतनी भी ऊंचाइयों में नहीं पहुंचना था। तो हम फिर से एक डेयर चूज करते हैं। तो गाइस हमें एक डेयर बहुत ज्यादा मिला है कि समरीन पे प्रैंक करो प्रैंक करो। अभी तो मैं अपने घर पे हूँ और वो अपने घर पे होगी, तो मैं अभी जा करके तो कोई प्रैंक कर नहीं सकता, बट हाँ मेरे पास एक बहुत ही तगड़ा आइडिया है। अभी मैंने एक नया नंबर लिया है अपना, क्यों ना उस नंबर से उसको कॉल करके कॉल प्रैंक कर सकते हैं, एक बहुत ही तगड़ा सा। मैं अपना दूसरा फोन लेके आ चुका हूँ और अब हम करते हैं समरीन को प्रैंक कॉल। तो सारे अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, और अब आने वाला है वीडियो में असली मजा। करे कॉल, चलो ठीक है। तो रिंगटोन ऐसे लगा रखे कॉपीराइट आ जाएगा। हेलो हेलो हेलो, समरीन अली से बात हो रही है? हेलो, कट कर दिया यार। और एक तो ना पता नहीं अननोन नंबर देखते ही लड़कियां कट क्यों कर देती हैं। फिर से करते हैं कॉल, थोड़ी मोटी आवाज में बोलूंगा कि पता ना चले। हेलो अशोक पांडे बोल रहे हैं हम।
हेलो हेलो, कौन? समरीन अली से बात हो रही है हमारी। हाँ, आप कौन? हम अशोक पांडे बोल रहे हैं। अशोक पांडे? रॉन्ग नंबर, मैं आपको नहीं जानती। एक मिनट मैडम, रॉन्ग नंबर नहीं है ये। एक्चुअली आपके ऊपर किसी ने केस करा है, तो उस रिगार्डिंग हमने आपको कॉल करा है पुलिस स्टेशन से। आप ना बाद में कॉल करना, अभी तो मेरे पापा नहीं है घर पे। मैम आप समरीन अली बोल रही है ना? हाँ। तो समरीन अली के नाम पे ही केस हुआ है, आपके पापा के नहीं, तो आपसे ही बात करनी है हमें। हाँ वो तो मैं समझ गई, लेकिन वो मतलब पापा आएंगे ना, तब मैं आपको कॉल कर दूंगी। नहीं नहीं, आप सुनो, हमने सुना है आप यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाते हो। हाँ। तो एक बात हाँ। बताओ, अगर आप YouTube पे वीडियोस बनाते हो तो किसी के बारे में ऐसे उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। मैंने किसके बारे में बोला? कोई पायल नाम की लड़की हमारे पुलिस स्टेशन में आई थी और वो आपके लिए केस करवा के गई है। वो लड़की काफी ज्यादा डिप्रेशन में है। पायल? हाँ, पायल जोन नाम से उनकी भी आईडी है, वो भी कुछ वीडियोस हाँ। वीडियोस बनाती है। हमें तो उतना हाँ। नॉलेज है नहीं हाँ। उसके बारे में। तो क्या उन्होंने क्या बोला है आपने? मैडम बात सुन लो पहले, फिर बोलना। आप नॉनस्टॉप बोले जा रहे हो। वो आई थी यहाँ पे पुलिस स्टेशन में, केस करा है आपके ऊपर कि आप उनके ऊपर कुछ उल्टी सीधी वीडियो बनाती हैं। मैं नहीं बनाती हूँ, मैं नहीं बनाती, सही से बताती हूँ। वो बनाती है मेरे ऊपर, अब वो मेरे पे केस कर रही है। तो नहीं नहीं, आपने कुछ किडनैप करने का उल्टा सीधा बोला है उन्हें। नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रहे हो। आपको मैं अपने पापा से बात करवा दूंगी। आपके पापा से बात नहीं करनी हमें, केस आपके ऊपर हुआ है तो। हाँ लेकिन वो ही करेंगे ना, जो भी करेंगे। आपकी आवाज से लग रहा है आप काफी ज्यादा डर रहे हो। आपको हम कुछ बोल नहीं रहे, बट आपने कुछ उनको किडनैप करने की धमकी दी है शायद। नहीं, मैं क्यों दूंगी? वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में है, अगर उन्होंने कुछ कर लिया तो। आप उसकी वीडियो देखो एक बार। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। सुनो मैडम सुनो, समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपने पापा से बात। मैडम सुनो, मैडम बात सुनो, आप नॉनस्टॉप बोले जा रहे हो। पुलिस स्टेशन में कॉल करा है आपने, आप किसी अपने दोस्त से बात नहीं कर रहे। तो मैडम आप एक बात बताओ, आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, पायल भी यहीं पे बैठी है, तो आप एक बार आ जाओ। एक मिनट, आप मुझे ये बताओ कि आप कौन से पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हो? ये फंस गया सी है। इसको पुलिस स्टेशन कौन सा बताऊं? आप कौन से पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हो? हम द्वारका पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं, पायल यहीं पे बैठी है, आपको एक बार आना पड़ेगा, उनसे मिलो, आप बात करो सामने से, अदरवाइज हम आपको लॉकअप में डाल देंगे। किसको लॉकअप में? आपको। आवाज नहीं आई आपको? अच्छा सर, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? क्योंकि ना मुझे लग रहा है कि ये कोई प्रैंक कर रहा है मेरे साथ। तो मैम ये क्या प्रैंक हमारे समझ में ना आता, ठीक है? मैं बहुत देर से आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं आप हमें प्रैंक बोल दो। तो मैडम सुनो मेरी बात सुनो मैडम, आप पुलिस स्टेशन आ रहे हो नहीं आ रहे? पर मैडम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आपकी लैंग्वेज क्यों चेंज होती जा रही है बीच बीच में? मैडम हम तो हरियाणवी हैं, हम तो ऐसी बात करते हैं। मैडम मैं तो आपसे ढंग से बात कर रहा था इतनी देर से, पर आप अपनी अकड़ में हो, इसलिए मेरे को भी अब अकड़ में बात करना पड़ रहा है आपसे। आप पुलिस स्टेशन आओगे ना आओगे मैंने ये बताओ सीधा? पायल जोन को तो जानते होगे मैडम? हाँ जानती हूँ। ये लड़की डिप्रेशन में जा रही है, तो मैं क्या करूँ? आपको आना पड़ेगा पुलिस स्टेशन, ऐसे बात नहीं बनेगी। अरे आप मैंने ये बताओ, आप पुलिस स्टेशन आओगे नहीं आओगे, या हम घर से आए और उठा के आपको लॉकअप में डाल दे? अच्छा आप उठाओगे? अरे मैडम आप पुलिस वाले को मजाक में ले रहे हो क्या? मैडम प्रैंक प्रूंक ना है, हम ये सब काम ना करा करते, ठीक है? अरे डर क्यों रहे हो मैडम, बात करो। कट कर दिया यार, फिर कट कर यार, अच्छा प्रैंक मेरे ख्याल से ना वो डर गई है अच्छा खासा। अब एक और बार कॉल करते हैं, फिर अगर ज्यादा डर भर गई तो बता देंगे उसे कुछ ऐसा है, पर उसको थोड़ा थोड़ा शक भी हो रहा है साथ में। कट कर रही है अब, कॉल उठा लो यार, प्रैंक सक्सेसफुल होने वाला था। तो गाइस इस कॉल प्रैंक के बाद वीडियो बहुत ही अच्छी खासी बड़ी हो गई है, जिससे हम ज्यादा कुछ देर तो इसमें कर नहीं सकते। तो गाइस मैं ट्रुथ चूज करता हूँ, और हमसे ये पूछा गया है कि आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है। तो मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है संजना, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, जो कि मेरे सपनों में आती है मेरे से मिलने। शक्ल देख के लग रहा है कोई गर्लफ्रेंड बनेगी मेरी। हट बहस, मक्खी बीच में आ रही है यार, यही है मेरी गर्लफ्रेंड। एक भी नहीं है यार, ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो यार, दर्द होता है यहाँ पे। मत पूछा करो ऐसे क्वेश्चन। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। तो गाइस अब मैं करता हूँ डेयर, तमरीन का कॉल आया है फिर से, देखते हैं क्या बोलती है। मैं उसे हेलो 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 जी मैडम, आपने कॉल कट कर दिया था। हाँ सर, आपने ना ट्रू कॉलर से अपना नाम नहीं हटाया।
ये कर देते ना तो और अच्छा हो जाता, फिर नहीं पहचान की मैं। अरे यार प्रैंक फेल करवा दिया तुमसे, ना हो पाएगा। अबे यार मेरे को लगा प्रैंक सक्सेसफुल हो ही गया। ट्रू कॉलर पे क्या नाम, क्या नाम है ट्रू कॉलर पे? क्रेजी आर्यन। पे यार मैं कितना बुद्धू हूँ। तो बिल्कुल यार ये सब मत किया करो। मैं थोड़ा पायल जून डिप्रेशन में चली गई है भाई। अच्छा हुआ नहीं बोला, कहीं मेरे ऊपर ही तुम लोग केस वेस कर देते, कल से मैं ही लॉकअप में दिख रहा होता। यार ऐसा लगा मुझे कि पता नहीं कौन बोल रहा, ऊपर से आवाज पता नहीं समझ में आ रहा था, बना बना कर बोल रहा है कोई, तो चेंज कर रहा है लैंग्वेज अपनी ऐसे। चलो कोई नहीं, अभी ना मैं वीडियो शूट कर रहा था तो एक बस प्रैंक कॉल था छोटा सा। अभी ना रुको सुनो, अभी बच्चे हो, अभी मेरे से सीखो कैसे करते प्रैंक। अरे चलो चलो देख लेंगे, चलो चलो ठीक है, मैं वीडियो खत्म करके आपको कॉल करता हूँ। ओके मैं बदला लूंगी। ठीक है बाय बाय। यहाँ पे तो हमारा प्रैंक फेल हो चुका है, बट किसी हद तक मतलब समझ लो 80% प्रैंक सक्सेसफुल हो गया था, पर कॉलर पे क्रेजी आर्यन सेव कर रखा था। ये इतने देर से कॉल कट करके यही कर रही थी, ये इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी कि कहाँ से कॉल आ रहा है, क्या है क्या नहीं है, तो इसे पता चल गया। तो हमारा प्रैंक यहाँ पे फेल हो गया, बट वही है 80% सक्सेसफुल हुआ है और 20% फेल हो गया, तो कोई नहीं। और 25 दिसंबर आने वाला है जिस दिन मेरा बर्थडे है, तो अब बहुत ही स्पेशल वीडियोस आने वाली है, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिसने अभी तक बेल आइकन को ऑन नहीं करा तो बेल आइकन को ऑन कर लो कि आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस आगे मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ।